यह देखिए, यह फॉर्म का नमूना है। आपको यह फॉर्म कैसे भरा जाएगा हम एक एक करके बताते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर में आपका जो है नेम ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट आईटीआई विथ एमआईएस कोड, इसमें जो है आपके अपने आईटीआई का नाम लिखना है। जो भी आपके आईटीआई का नाम है वह आईटीआई का नाम लिख दें। सपोज दैट अगर आपका आईटीआई का नाम है आईटीआई कोई भी पटना गया जहाँ भी है आपका, तो आप लिख दें इस प्रकार से आईटीआई गया। और इसका कोड जो है, जो भी आपके आईटीआई का कोड होगा, सरकारी आईटीआई का जीआर से कोड रहता है, जैसे प्राइवेट आईटीआई का जो है पीआर से कोड रहता है, यह कोड जो है आप अपना पूरा ना सा जो है, जो आप एडमिट कार्ड होगा कोई उसमें आपका कोड दिया हुआ होगा, तो उसमें से देख करके अपने आईटीआई का कोड जो है GR1000 इस तरह से जो है कोई भी जो है डिजिट इस तरह से होगा, आप जो भी रहे देख करके अपना उसमें भर दें आईटीआई का नाम और कोड। रोल नंबर दो नंबर में देखिए आपका है रोल नंबर। रोल नंबर में आप जो है देखिए अपने एडमिट कार्ड में पुराना होगा, चूँकि आप एक्स स्टूडेंट हैं तो आपका एडमिट कार्ड में ऑलरेडी पहले से जो मिला होगा या रिजल्ट मिला होगा, मार्कशीट होगा, किसी में भी रोल नंबर आपका लिखा होगा उसमें से देख करके 00 इसमें दिया हुआ होगा 20100 या समथिंग जो जो होगा डिजिट, वह आप जो है अपना रोल नंबर इसमें भर दें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रोल नंबर रहता है उसमें से इस जीरो को हटा दें और यहाँ पर मैं कैपिटल आर लिख दें और बाकी जो है जो भी है डिजिट वो सारा इसमें लिख दें। यह जो है आपका हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद चार नंबर में आपका है नेम ऑफ एप्लीकेंट। आप अपना नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखें, जो भी नाम है उसको जो है आप कैपिटल लेटर में लिखें। यहाँ पर मैं साफ साफ लिखें, सपोज दैट यदि आपका नाम राम कुमार है तो आप यहाँ पर साफ साफ लिखें कैपिटल लेटर में राम कुमार। पाँच नंबर में आपका है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वह डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं लिख दें, जो भी है आपका, सपोज दैट 5/1/2000, आप साफ साफ जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दें। सेक्स में जो भी लड़का है अपना मेल लिखें, लड़की है फीमेल लिखें, जो भी सेक्स है यहाँ पर मैं आप अपना मेल ऑब्लिक फीमेल जो है वो अपना लिख दें, ठीक है। सात नंबर में देखिए यहाँ पर फादर्स नेम लिखना है, अपने पिताजी का नाम यहाँ पर जो है वो अपने पिताजी का नाम लिख दें कैपिटल लेटर में। ट्रेड में जो ट्रेड है उस ट्रेड का नाम लिखें, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, जो भी ट्रेड है वो ट्रेड का अपना नाम पूरा यहाँ पर लिख दें। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आपका कोर्स कितना साल का है, एक साल का है, दो साल का है, जो भी कोर्स है वो लिख दें, 1 ईयर और 2 ईयर जो होगा, अगर 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स लिखें, 1 ईयर है तो 1 ईयर्स लिखें। सेशन, जो आपका सेशन है 2000, अगर मान लीजिए 2022 सेशन है तो इसमें लिख दें 2022। कैटेगरी, आपका जो कैटेगरी है जनरल है, ओबीसी है, जो भी कैटेगरी है, SC ST है, वो कैटेगरी यहाँ पर मैं आप लिख दें। उसके बाद आपका यहाँ पर 12 नंबर में देखिए फुल एड्रेस है। एड्रेस में विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, आपका पोस्ट ऑफिस, जो भी है डिस्ट्रिक्ट है, पिन नंबर है, वो सारा जो है फुल एड्रेस इसमें लिखा है। यहाँ पर मैं आप एक पासपोर्ट साइज का जो है फोटोग्राफ चिपका दें। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं दिया हुआ है एनुअल सिस्टम। यदि आप एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं 2018 से लेकर के और अभी तक के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे एनुअल सिस्टम के आएंगे, तो एनुअल सिस्टम में आप देख लें कौन सा ईयर का एग्ज़ाम देना है आपको, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना है या सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना है तो आप यहाँ पर मैं देखिए ये फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आप सेशन भर दें फर्स्ट ईयर का है, किस सेशन का है। अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो यहाँ पर मैं सेकेंड ईयर वाला में सेशन भर दें। और कौन सा पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है, अगर प्रैक्टिकल देना है फर्स्ट ईयर का तो इसमें टिक कर दें, अगर सेकेंड ईयर का देना है तो इसमें टिक करें, ड्राइंग देना है तो इसमें टिक करें, फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, इसमें टिक करें, जो पेपर में आपको एग्ज़ाम देना है उसमें टिक कर दें। यह एनुअल वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो एनुअल वाले स्टूडेंट्स इसमें करेंगे तो यह सेमेस्टर वाले में कुछ नहीं करना है उनको। और जिनको अगर सेमेस्टर वाला में भरना है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के है या सेकेंड के है या थर्ड के है या फोर्थ के है, जिस सेमेस्टर में है उसका सेशन यहाँ पर मैं लिख करके आप उसमें यहाँ पर मैं जो सब्जेक्ट में है उसमें टिक लगाने का काम करेंगे, तो अपना देख करके जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं उस सब्जेक्ट में आप इसमें टिक लगा दें। और इस फॉर्म के साथ में आपको हम बता देते हैं क्या क्या लगाना पड़ेगा, उससे पहले यह समझ लें कि इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं डिक्लेरेशन में आपकी आवश्यकता नहीं है, जो फ्रेश स्टूडेंट्स रहता है उसमें जो है यहाँ पर लिखना रहता है 80%, और जो एक्स स्टूडेंट है वो नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, उनकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है डेट डाल दें और यहाँ अपना सिग्नेचर कर दें। इतना चीज़ आपको करना है, इतना कर करके आप अपने इंस्टीट्यूट में भर करके जमा कर दें। आपके इंस्टीट्यूट के जो सर होंगे ट्रेन इंस्ट्रक्टर, वो यहाँ पर मैं अपना सिग्नेचर करेंगे, फिर यहाँ पर मैं आपके प्रिंसिपल का साइन होगा, मोहर होगा, और तब जा करके यह फॉर्म जो है जमा होगा सारा नोडल आईटीआई के पास में। तो इतना चीज़ करना है, फॉर्म के साथ में आपको अटैच करना पड़ेगा, जो पुराना एग्ज़ाम में
जो पीछे साल का एग्ज़ाम दिए थे जिसमें फेल हो गए थे, उस फेल का जो है आप एक मार्कशीट और एक एडमिट कार्ड, यह दोनों जो है कॉपी आप इस फॉर्म के साथ में एक एक कॉपी जो है जेरोक्स लगा दें, जिससे कि आपका क्लियर रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट में फेल है, उसका मार्कशीट और एडमिट कार्ड इस फॉर्म के साथ दोनों अटैच करें। फॉर्म भरने में कोई कठिनाई होती है, कहीं पर कोई दिक्कत होता है, तो ज़रूर आप कमेंट करें, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।